आपसे। मैं वहाँ पे एक टाइम रुके ना। बस 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 बस। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। मैम यहाँ देखिए। आ जाओ मैम केक कर दो। साइड हो क्या? साइड हो क्या? साइड है क्या? इधर है मैडम, इधर मैडम। बस आइए अभी। बैठ सामने से पूरा बैठ गया। Happy birthday to you. Happy birthday to you. मैम एक बार लुक दीजिए इधर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग। कौन खा रहा है बड़ा सा? आदिल 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 भैया। आदिल आदिल भैया आ जाओ। आदिल भैया आ जाओ। आदिल का फेवरेट है भैया। आदिल का आदिल आदिल आ जाए। आदिल आ जाए। हाथ धोया था ना, गुटखा खाया था, बाकी का तू खा ले। नहीं नहीं बुरा का बुरा का केक का बहुत दीवाना है। आदिल आ जा यार, क्या शर्मा रहा है इतना? आदिल आ जा यार, शर्मा मत। आदिल शर्मा रहा है। डाइट पे हो? डाइट पे हो? पूरा पूरा डाइट पे हो? आप भी आओ इधर आओ यार, केक खाओ। राजा भाई जा, राजा मुझे मत खिलाओ यार, कल स्क्रीनिंग है। मेरा शुगर बस मेरी बात। बाबा वो कैमरा कर दो। थैंक यू थैंक यू। स्क्रीनिंग बर्थडे सब एक साथ कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा मुझे लग रहा है, ये मेरा भगवान से गिफ्ट है बर्थडे की जस्ट बाद स्क्रीनिंग। और जो एनिमल को रिस्पॉन्स मिल रहा है इतना तगड़ा वाला, मतलब पीपल आर वेटिंग फॉर द रिलीज। कितना एक्साइटेड आप हैं? मैं तो वेट ही कर रही हूँ, बस बहुत टाइम से इंतज़ार चल रहा है, बस अब ये घड़ी आ गई है और मैं वेट कर रही हूँ कि सब जाके देखें उनको कैसी लगती है फिल्म, वो हमें बताएं। बस बहुत एक्साइटमेंट है। चलो बाइक। हाँ बाइक। थैंक यू। हम कर लें। ओके सो विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। कितना खास है ये बर्थडे आपके लिए? सबसे पहले तो आज तक का सबसे खास बर्थडे मेरा, क्योंकि कल हमारी फिल्म प्री रिलीज पे है और फर्स्ट को रिलीज हो रही है और मैंने रणबीर कपूर के साथ काम किया है। I have been the biggest fan of one man in the industry, the biggest fan of Ranbir Kapoor, and I finally get to work with him. So ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ा birthday है। I cannot wait for the film's release and to watch it myself tomorrow. So very excited. So celebration double होने वाला है क्या? क्योंकि ये birthday खास है तो celebration भी तो खास होना चाहिए। Triple चौगना जितना imagine कर सकते हो। मतलब दिल में तो सेलिब्रेशन अभी चल ही रहा है, अभी समय नहीं है पार्टी करने का, पर वंस द रिलीज हैपेंस देन इट्स गोइंग टू बी ऑल आउट। मतलब सेलिब्रेशन जो होगा वो रिलीज के बाद होने वाला है। वो उसके बाद। वैसे एनिमल की अगर मैं बात करूँ तो नॉट जस्ट रणबीर, उसके अलावा भी बॉबी देओल है फिल्म के अंदर, अनिल कपूर है। हाउ वाज योर ओवरऑल एक्सपीरियंस वर्किंग विद ऑल द कास्ट एंड क्रू? इट वाज सच अ सरियल एक्सपीरियंस फॉर मी। मुझे सबसे इतना सीखने का मौका मिला और अनिल कपूर जैसे इतने सीनियर हैं हमसे, बॉबी देओल वापस आ रहे हैं फिल्मों में, तो उन सब के साथ काम करके ऐसा लगा किसी
सपनों में चल रही हूँ मैं. एंड आई रियली वांट टू थैंक माय डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा फॉर रियली गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. उन्होंने मुझ में विश्वास दिखाया कि मैं ये रोल रणबीर की सिस्टर का प्ले कर पाऊँगी. एंड बाकी वाइब तो सेट पे बहुत अच्छी थी, मतलब सब फ्रेंडली थे. ऐसा लगा ही नहीं कि इतने बड़े स्टार्स के साथ काम करें, यू नो. पहले बहुत डर लग रहा था दिल में कि कैसे होगा क्या होगा, पर वहाँ पे ऐसे लगा कि सब अपने ही है. एवरीवन रियली क्रिएटेड अ वेरी वेरी गुड एनवायरनमेंट एंड इट वाज अ रियली नाइस सेट. तो बहुत कुछ सीखा और बहुत मज़ा आया. इट्स वन ऑफ माई मोस्ट मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस. थोड़ी सी बटरफ्लाइज इन द स्टमक, आई थिंक वो गुड नर्वसनेस होती है. थोड़ी बहुत होनी भी चाहिए कि यू कैन फील द जिटर्स, यू नो. दैट्स अ नाइस फीलिंग. ऑलराइट, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.